हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश और आप सभी का फिर से मेरे किरणों पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो, जियो रिटेलर हो, वीके रिटेलर हो या फिर फ्रेंड्स आप एक बीएसएनएल रिटेलर हो और अगर आप यहाँ पे जो है सिम कार्ड बेचते हो, यहाँ पर चाहे वो नया सिम कार्ड हो, एमएनपी सिम कार्ड हो या फिर यहाँ पर जो है सिम स्वैप सिम कार्ड हो, और अगर आप यहाँ पे जो है सिम कार्ड बेचते हो और अगर आप यहाँ पे डेटा एंट्री नहीं करते हो कस्टमर का, तो यहाँ पर जो है अब आपको हो सकता है जेल, क्योंकि यहाँ पर जो है होने लगा है यहाँ पर सिम कार्ड से क्राइम। तो यहाँ पर कैसे आपको यहाँ पर जो है सही तरीका है यहां पर कस्टमर का डेटा एंट्री करने का, वो सब हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ हेल्पफुल और नॉलेजफुल भी होने वाला है। तो वीडियो पे बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो यहां पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से ठीक कुछ सालों पहले यहाँ पर जब हम कस्टमर का नया सिम चालू करते थे, एमएनपी करते थे या यहाँ पर जो है सिम स्वाइप करते थे, तो यहाँ पर जो है कस्टमर का एक फ़ोटो, एक फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट का, और यहाँ पर जो है कस्टमर से हस्ताक्षर, और यहाँ पे एक फॉर्म फिल करवाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है हम एक चीज़ को भूल गए हैं, यहाँ पर डेटा एंट्री। कस्टमर का जो हम डेटा एंट्री पहले करते थे वो अब यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है। यहाँ पर जो है आपको और हमें और यहाँ पर जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर जो है हम एक चीज को भूल गए हैं, डेटा एंट्री को। और डेटा एंट्री पहले करते थे, अब यहां पर नहीं करते हैं। जब से डिजिटल का यहां पर जमाना आया है, जब से हमें यहां पर अपना स्मार्टफोन से यहां पर जो है नया सिम चालू कर रहे हैं, एमएनपी कर रहे हैं या यहां पर जो है सिम स्वैप कर रहे हैं, तब से यहां पर हम कस्टमर का डेटा एंट्री करना यहां पर बिल्कुल ही भूल गए हैं। ये बहुत ही गलत बात है। यहां पर जो है कस्टमर को सिम चालू करते हैं या फिर आप यहां पर एमएनपी करते हैं या यहां पर सिम स्वैप करते हैं, तो यहां पर आपको एक बात को ध्यान देना है। यहां पर आपको जरूर से जरूर आपको यहां पर कस्टमर का डेटा एंट्री करना है। डेटा एंट्री करने के लिए आपको जो है मात्र एक मिनट का यहां पर समय लगता है, एक से दो मिनट में अंदर ही आपका यहां पर कस्टमर का डेटा एंट्री हो जाता है। इससे आप भी सुरक्षित रहोगे और यहां पर कस्टमर भी सुरक्षित रहेगा, साथ ही साथ यहां पर जो है आपको आने वाले दिनों में यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर देखा गया अक्सर कि यहां पर जब भी यहां पर कस्टमर का सिम से क्राइम होता है तो यहां पर कस्टमर को उठाया जाता है, साथ ही साथ यहां पर रिटेलर भाई यहां पर कस्टमर का सिम चालू करते हैं उनको भी यहां पर उठा लिया जाता है, और उन्हें यहां पर जो है बहुत ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम होता है, यहां पर थाना वगैरह भी जाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको जो है डेटा एंट्री करना कंपलसरी है। डेटा एंट्री करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कंपनी का आप यहां पर जो है सिम कार्ड चालू करते हो, एयरटेल का सिम कार्ड चालू करते हो, तो यहां पर अलग से एयरटेल का एक रजिस्टर रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे वी का सिम कार्ड चालू करते हो, जियो का सिम कार्ड चालू करते हो या यहाँ पर बीएसएनएल का सिम कार्ड चालू करते हो, जो जो कंपनी का यहाँ पर जो है सिम कार्ड चालू करते हो, वो सारे कंपनी का यहाँ पर आपको डेटा मेंटेन करना होगा। डेटा मेंटेन करने के लिए हर एक कंपनी का अलग अलग आपको यहाँ पर डेटा एंट्री के लिए यहाँ पर आपको एक फाइल रखना होगा। और डेटा एंट्री करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको एक कॉलम खींचना है। यहाँ पर कॉलम में यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट में तो आपको सीरियल बाई यहाँ पर लगा देना है। सीरियल बाई लगाने के बाद आपको कस्टमर का नेम, कस्टमर का यहाँ पर फोन नंबर, जो नंबर को आप यहां पे चालू कर रहे हो, साथ ही साथ यहां पर जो है कस्टमर का एड्रेस अगर हो तो मेंशन कर सकते हो यहां पर, और यहां पर जो है कस्टमर का आपको अल्टरनेट नंबर, खास करके यहां पर जो है कस्टमर का अल्टरनेट नंबर यहां पर लेना है, और यहां पर कस्टमर का हस्ताक्षर, रिसीविंग को आपने यहां पर सिम कार्ड चालू किया है और यहां पर आपने क्या किया है वो भी लिखना है। यहां पर आपने एमएनपी किया है, नया सिम चालू किया है या यहां पर जो है सिम स्वैप किया है, आपको ये लिखना है जरूर, वहां से डायरी में मेंटेन करना है। और यहां पर जो है खास करके आपको यहां पर कस्टमर का एक फोटो वहां पर लेना है और फोटो को वहां पर पिनअप करना है या फिर वहां पर आपको जो है चिपका देना है किसी गोंद से, और बहुत ही अच्छे तरीके से चिपकाना है। और कस्टमर का आपको जो सिग्नेचर लेना है वो फोटो से क्रॉस लेना है, ताकि वहां पर जो है आपको फोटो में साइन होना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप यहां पर जो है कस्टमर का डेटा एंट्री मेंटेन कर सकते हो, और यहां पर कस्टमर का डेटा मेंटेन एंट्री करके, तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से जो है आप यहां पर कस्टमर का डेटा एंट्री कर सकते हो, और डेटा एंट्री करके आप यहां पर जो है आने प्रॉब्लम से आप यहां पे बच सकते हो। इस वीडियो के लिए मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला था। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से रिलेटिव किसी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को भी कभी लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, खास करके न्यू रिटेलर भाई के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब करके
और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑल पे प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए उड़ते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।